नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की मुसीबतें अभी कम होती नहीं दिखती। मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी पिछले 16 साल से जहां जेल में बंद हैं, वहीं उनके दोनों बेटों पर फर्जी और गलत तरीके से प्रॉपर्टी रजिस्टर कराकर अवैध रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और होटल बनाने का मुकदमा गाजीपुर की सरकार कोतवाली में दर्ज है। इनकी अग्रिम जमानत अर्जी आज गाजीपुर जिला और सत्र न्यायालय कोर्ट के ADJ न्यायालय में आज पेश हुई, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने उन्हें खारिज कर दिया। जबकि इसी मुकदमे में सादिक नाम का एक आरोपी जो जेल में बंद है, उसकी रेगुलर बेल भी खारिज कर दी गई है। पिछले दिनों गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े गोदाम, शॉपिंग मॉल और भवनों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा था, जिसमें उनकी तमाम बिल्डिंग जमीन ध्वस्त कर दी गई, जिसके बाद उनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर केस भी दर्ज हुआ, जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अमर अंसारी और अब्बास अंसारी फरार चल रहे हैं। जी, मैं जयप्रकाश सिंह, ADGC क्रिमिनल, कोर्ट नंबर ADJ 3, गाजीपुर। जी, क्या मामला है? एक कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 689/20, धारा 420, 423, 465, 467, 468, 471, 474, 477A, 120B IPC दर्ज किया गया, जो गजल होटल के भूमि संबंधी मामले में दर्ज किया गया था। और ये दर्ज ये किया गया था कि ये लोग मुख्तार अंसारी जी के पुत्र अब्बास अंसारी, उमर अंसारी इसमें आरोपी हैं, और भी लोग आरोपी हैं, जिन लोगों ने जमीन जो है नान जड्डे जमीन बंजर भूमि जो कि खाते में दर्ज थी, इसको उन्होंने कपटपूर्वक अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया था। इसमें ये लोग वांछित थे। अब्बास अंसारी, उमर अंसारी ये दोनों लोग अग्रिम जमानत में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ आए और वो बेल ट्रांसफर होकर कोर्ट नंबर 3 ADJ राठौर साहब के यहाँ आ गई, जिसमें आज इसमें बहस की गई। बहस के बाद माननीय न्यायालय ADJ 3 ने इनको पाया कि नहीं, इन लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया है जिसकी वजह से अब्बास अंसारी, उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसमें एक और अभियुक्त सैयद सादिक हुसैन जो जेल में बंद है, उसकी रेगुलर बेल थी, उसको भी खारिज कर दी गई। इसको क्या समझा जाए, ये जो मुख्तार अंसारी साहब के लड़के हैं, ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं? हाँ, ये फरार चल रहे हैं। अब पुलिस को ये हो गया है, इनकी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी और अब भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी ये मिले नहीं। मतलब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में सड़क हादसे के दौरान 2 छात्रों की जान चली गई, वहीं 3 छात्रों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हादसे के दौरान घायल छात्रों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ भेज दिया गया, वहीं आक्रोशित भीड़ ने झांसी महोबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सुबह कोचिंग जा रहे छात्रों को आने में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान 2 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल छात्रों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ में किया जा रहा है। सड़क हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जमा कर दिया। इस दौरान गाँव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए महोबा जनपद के 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई। बता दें कि मामला है महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगरा गाँव का। गांव सुगिरा पड़ता है, थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में। 4-5 बच्चे अपनी कोचिंग में जा रहे थे कुलपहाड़ क्षेत्र में पढ़ने के लिए, इंटर में पढ़ते हैं। उसी में 2 बच्चे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, मौके पर ही दुर्भाग्य से बच्चे घायल हो गए और 2 बच्चे घायल हो गए थे, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। दोनों की हालत ठीक है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास मिला 729 ग्राम सोना। बरामद हुए सोने की कुल कीमत लगभग 30,12,000 रुपए बताई जा रही है। सोने को फाइल के रूप में डालकर अपनी ट्राली बैग में छुपा कर ले जा रहा था युवक। जब्त किए गए सोने को खिलौने के बॉक्स के कार्डबोर्ड, चाय पत्ती के बॉक्स और ट्राली बैग में निचले हिस्से में फिक्स करके लाया था लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आयोजित भारतीय विज्ञान महोत्सव 2020 के प्रथम सत्र में अमन धुरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें, ये प्रोग्राम 4 दिवसीय प्रोग्राम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी युवक वैज्ञानिकों को संबोधित किया था। 23 दिसंबर को युवा वैज्ञानिक का प्रोजेक्ट था।
प्रथम सत्र में 8 से 10 बच्चे चुने गए थे, जिसमें से अमन धुरिया युवा वैज्ञानिक प्रथम रहे। उन्होंने अपने आविष्कार के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग जाता है, काम करते करते मरने की कागार पर आ जाते हैं और पूरी बॉडी जल जाती है या फिर शरीर पर इफेक्ट पड़ता है तो बॉडी लचक जाती है और काम करना बंद कर देती है, माइंड में भी असर पड़ता है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिन समस्याओं को सुलझाने के लिए इस आविष्कार की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये गांव देहात में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर गांव की कच्ची जमीन पर कार्य करते हैं, फर्श पर नहीं। जहां कच्ची जमीन होती है वहां उनको करंट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसे में ये आविष्कार उन लोगों के लिए सहायक होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।